वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। वन इज अ यूट्यूब चैनल यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, गिव मी कमेंट्स ऑन माय वीडियोस एंड ऑन माय चैनल एज वेल। The second one is the Facebook page having the same name, Unique Style of Teaching. Please like my this page. And the third one is the Facebook group, Unique Style of Teaching. You are requested to join my this educational group. Now watch the video. 10th class mathematics. Unit number 2, theory of quadratic equations. ये इसमें ई नहीं है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। Find the value of k if दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, पार्ट फर्स्ट sum of the roots of the equation two k x square माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 is twice the product of the roots. ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप सेपरेट लिख लें, 2kx स्क्वायर
minus 3x plus 4k is equal to 0. अब यहाँ पे ये इनका मैं मार्किंग करता हूँ, अब इनको जो जिसका कलर मैंने चेंज किया है ये कोएफिशिएंट हैं और ये सी का वैल्यू होता है कांस्टेंट, ए is equal to बल्कि ये भी साथ है, टू के देन b is equal to minus 3 and c is equal to 4k. ये a b c का मैंने वैल्यू राइट डाउन कर दिया है. अभी आपके पास जो फॉर्मूला है सम of the roots is equal to twice का मतलब है कि आपने जो product के roots हैं उनको 2 के साथ multiply करना है, 2 into product of roots. जो sum of roots होता है वो alpha plus beta है. आप इन टर्म्स ऑफ ए बी सी में जब बात करते हैं तो वो माइनस बी अपॉन ए होता है, इट इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए. नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसकी वैल्यूज लगानी है, माइनस b का वैल्यू माइनस 3 है, आप ब्रैकेट देके माइनस 3 लिख दें और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई सॉरी यहां पे b अपॉन a भी है, b अपॉन a का वैल्यू आपके पास है 2k, यहां आप b अपॉन 2k लिखेंगे is equal to 2 multiplied by c का वैल्यू आपके पास 4k है, 4k upon a का वैल्यू 2k है. अब minus 3 और minus 3 positive 3 हो जाएंगे upon 2k is equal to यहां k के साथ k cancel हो जाएगा क्योंकि k न्यूमिरेटर में है, 2 4k न्यूमिरेटर में है और 2k डिनोमिनेटर में है, k और k कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आपके पास बचेगा 4. देन 3 अपॉन 2k है, 3 इज इक्वल टू जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 टू द 8k, b3 upon 8 is equal to k होगा. अभी हमने k का वैल्यू फाइंड करना होता है तो k is equal to आप लिख दें k is equal to 3 upon 8 जो कि आपका आंसर है, k का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है. ये आप दोबारा देख लें,
sum of the roots of the equation 2kx square minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice. यानी कि sum of the roots ये मैंने नीचे formula में लिख दिया है. Sum of the roots of the equation is equal to ये twice mean 2 multiply product of the roots. ये मैंने formula लिख दिया है. Sum of the roots is equal to 2 into product of the roots. Sum of the roots आपके पास minus b upon a होते हैं. Product of the roots alpha beta होता है. यानी कि in terms of a b जब बात करें तो c upon a होता है. इनकी values को plug किया. उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया. देन k का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विच इज 3/8. नेक्स्ट पार्ट. सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus bracket start 3k minus 7 bracket close then x plus 5k is equal to 0 is three upon two times the product of the roots. सबसे पहले आप लिखते हैं स्टैंडर्ड में इक्वेशन. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज और एक्स प्लस 5k is equal to 0. Value of a in this case mein value of a hoga aapke paas 1. Aur value of b is equal to 3k minus 7 aur c ka value aapke paas hoga 5k. वैल्यूज लिखने के बाद आपने लिखना है फार्मूला. सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2 जो के फार्मूले के अंदर गिवन है इन टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब यहां पे सम का जो फार्मूला आपके पास है वो है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होते हैं जो कि अल्फा बीटा कहलाता है. अभी जो इनकी वैल्यूज है उसको अपने प्लग करना है.
ए का, बी का वैल्यू आपके पास 3 के माने 7 है, तो आप नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3 के माने 7, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन ए का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू आपके पास है 5k, 5k अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, अब आपके पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे माइनस 3k, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, प्लस 7 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5k। नेक्स्ट स्टेप पे आप मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये वाला जो 2 है, दिस वन, ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। 2 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 3k प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 3 15k, ये हो जाएंगे माइनस 6k, और प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 15k। नेक्स्ट 14 अपनी जगह पे ही रहेगा, इज इक्वल टू 15k, और 6k को माने 6k को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 6k। नेक्स्ट स्टेप में 14 इज इक्वल टू 15 को 6 में हम ऐड करेंगे, 21k हो जाएगा। नेक्स्ट 21k इज इक्वल टू, हम इसको इक्वल टू 14 कहेंगे। देन k फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 21। नाउ k इज इक्वल टू, अब हम 7 के साथ इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो 7 2 14 होंगे, 7 3 21, 2/3 विल बी द आंसर। वीडियो को खत्म करने से पहले जस्ट टेक अ रिव्यू। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माने 7 एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 3.2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ द रूट्स को आपने 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ बी ए बी सी अगर बात करें तो माइनस बी अपॉन ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा होते हैं, और इसको आप इन टर्म्स ऑफ ए बी सी बात करें तो सी अपॉन ए होगा। फिर मैंने वैल्यूज को प्लग किया, वैल्यूज को प्लग करने के बाद इनका मल्टीप्लीकेशन किया, इट इज माइनस 3k, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 7 अपॉन 1 जो है स्टैंडर्ड में ही नहीं लिखा जाता इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया है। देन इस 3/2 इंटू 5k को ऐसा लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे ये 2 यहाँ पे चूंकि डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, तो ये माइनस 6k और ये 2 और 7 मल्टीप्लाई होंगे 14 इज इक्वल टू 15k, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सॉरी माइनस 6k को इस तरफ लेके आए तो पॉजिटिव 6k हो जाएंगे, 15 प्लस 6 21,
21 के इज इक्वल टू 14, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए 21 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 14 और 21 7 के टेबल में कैंसिल आउट होते हैं, 7 2 जा 7 3 जा 2 अपॉन 3 इज आंसर। अगर आपको मेरी ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच।